नमस्कार, आप देख रहे हमारे खास पेशकश गैंग्स ऑफ पुणे। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजादा सिंह। मुंबई अंडरवर्ल्ड नाम सुनते ही जब तस्वीर सामने आती है वो बेहद खौफनाक है। अंडरवर्ल्ड महानगरी के लिए नासूर बन चुका है। काफी बार उस पर काबू पाने की कोशिश की गई लेकिन हर बार पुलिस को कामयाबी हाथ नहीं लगी। पुलिस की लगाम कसी तो इस धंधे में अपनी पनाह तलाशी पुणे में। 5 साल के भीतर ही 2 दर्जन से ज्यादा गैंग पुणे की आबो हवा को खराब कर रहे हैं लेकिन पुलिस नाकामयाब है। उन पर रोक लगाने में सरेआम खेली जा रही है खूनी गैंगवार और इसे अंजाम देने वाले हैं गैंग्स ऑफ पुणे। जिस धरती ने देशभक्तों को जन्म दिया, जिनके खून से पावन हुई पुणे की धरती, आज वही धरती खून से सराबोर है। गैंगवार जोरों पर है, पुलिस उसे रोकने में नाकाम है, आम आदमी हलकान है। देशभक्तों की ये धरती जो पावन हुई वीर सपूतों के लहू से, आजादी की खातिर पुणे में कई आंदोलन हुए, लोग साथ थे और अपना खून कुर्बान करने को तैयार थे। लेकिन वो वक्त और था जब उस खून की कीमत हुआ करती थी, अब पुणे बदल गया है। खून यहाँ आज भी बहता है, रोज बहता है, लेकिन अब यहाँ खून की कीमत कुछ नहीं, क्योंकि पुणे बदल चुका है। आज पुणे की धरती खून से लाल हुई जा रही है। जरा सी बात पर खून खून बहता है। कोई किसी को मारता है तो दूसरा उसका बदला लेता है। आम आदमी डरा हुआ है। क्योंकि इस धरती पर आज गुंडा राज है। पुणे में सक्रिय है गैंग्स जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से लेकर आतंकियों तक से है। मुंबई के बाद पुणे गुर्गों के लिए महफूज होता जा रहा है। यहां एक नहीं, दो नहीं, पूरे 28 गैंग हैं। ताकत की जोर आजमाइश में खून पानी की तरह बह रहा है। गैंग का एक गुर्गा मारा जाता है तो दूसरा उसका बदला लेने के लिए तैयार रहता है। खतरनाक हथियारों से लैस इन गैंग्स के बीच जारी है गैंग वॉर। पुलिस हाथ बलती रह जाती है और अपने नापाक इरादों को पूरा कर जाते हैं गैंग्स ऑफ पुणे। आज से करीब 5 साल पहले पुणे में वह 7 गैंग थे लेकिन मुंबई में पुलिस की सख्ती से परेशान होकर अंडरवर्ल्ड की काफी दुर्गे पुणे आ पहुंचे और फिर शुरू हुआ पुणे में खूनी खेल, वर्चस्व की जंग, जीतने को रोज होने लगी गैंग वॉर। पुणे में 28 गैंग, हर एक गैंग का अपना नेटवर्क, पुलिस के लिए बने सिरदर्द, रोज हो रही है गैंग वॉर। महाराष्ट्र में मुंबई अंडरवर्ल्ड ने पुलिस का चैन छीन लिया था, बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया लेकिन एक जगह ऐसी है जहां अभी भी पुलिस की नींद उड़ी हुई है, मुंबई से सटा पुणे, जहां रोज होती गैंग वॉर ने सबके होश उड़ा रखे हैं। पुलिस की माने तो पुणे में अवैध धंधों पर आपराधिक गतिविधियों को 28 गिरोह अंजाम दे रहे हैं। पुणे पुलिस के रिकॉर्ड में साल 2005 में महज 7 गिरोह थे और साल 2011 आते आते तक उसमें नए 21 गैंग जुड़ चुके हैं। सारा खेल पुणे के शहरी इलाके से चलता है लेकिन इन सभी गैंग की पैठ ग्रामीण इलाकों में भी है। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच इन आपराधिक गिरोहों पर नजरें जमाए रहती है लेकिन प्रभावी तौर पर अभी तक इसे रोकने में कामयाबी नहीं मिल पाई है। पुलिस इन सभी गैंग को खत्म करने के लिए अपने नेटवर्क को पुख्ता करने में जुटी है। इसके लिए मुखबिरों की मदद ली जा रही है। गैंग के सदस्यों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। गिरोह के गुर्गे कहाँ रहते हैं, किसके संपर्क में आते हैं, किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, पुलिस बेशक हाथ पैर मार रही हो
हो लेकिन उसके हाथ अब तक खाली ही है। इसका कारण पॉलिटिकल प्रेशर भी है और दूसरा कारण ये है कि पुलिस ये गुंडा लोगों को ही बहुत बार ऐसा दिखता है कि उनसे मदद लेती है, उनसे हत्या वसूली करती है, इसके कारण वो उन्हें रोक नहीं पाते। पुणे पुलिस ने गत 16 साल में करीबन 17 इनकाउंटर किए लेकिन ये इनकाउंटर जो भी हुए उसको किसी का भी पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं, ऐसे ही गुंडों का इनकाउंटर हुआ है। जो गुंडे लोग पॉलिटिकल प्रेशर में है, उनका पॉलिटिकल प्रेशर है, ऐसे कोई भी गुंडा आज तक पुलिस के इनकाउंटर में मारा नहीं गया है। पुणे में इन दिनों गैंगवार आम सी बात है, अपने अपने वर्चस्व को साबित करने की होड़ लगी हुई है। हाल ही में आंबेडकर और मालवत्कर गिरोह में छिड़े गैंगवार ने पुणे पुलिस के लिए सिरदर्दी बढ़ा दी है। पुलिस की माने तो दोनों ही गैंग में तकरीबन 50 गुर्गे हैं। दोनों ही गैंग के सरगना राजनीतिक दलों से भी जुड़े हैं जिससे साफ तौर पर इनके कारनामे सामने नहीं आ पा रहे। मुंबई ही नहीं पुणे में भी है अंडरवर्ल्ड, उसके बारे में आज तक कोई ठीक से जानता भी न था। यरवदा जेल में इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकी कतील सिद्दीकी की हत्या के बाद पुणे अंडरवर्ल्ड की दहशत फैल गई है। यहाँ के 28 गिरोहों ने न केवल आम जनता बल्कि पुलिस की नाक में भी दम कर दिया है। पुणे से रुखमंगत पोतदार के साथ विवेक अग्रवाल, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई। तो आखिर पुणे में इस गैंग वॉर की वजह क्या है, इन वजह को तलाशेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ पुणे। पुणे में कुल 28 गैंग सक्रिय है, हर किसी को है अपने धंधे की परवाह, सभी चाहते हैं पुणे में उनका दबदबा रहे। ऐसे में जेल से भी होता है यहाँ खूनी खेल। कभी कभार कोई गुर्गा हाथ आ जाता है तो उसे भेज दिया जाता है यरवदा जेल, लेकिन जेल में भी जाकर गैंग वॉर खत्म नहीं होती, जेल से ही चलती है साजिश की खूनी चाल। जब किसी गुर्गे को जेल में अपनी जान का खतरा होता है तो वो अपने गैंग के गुर्गों को जेल में बुलवा लेता है जिससे उसकी बादशाहत चलती रहे। कोशिश है की जल्द से जल्द जो गुनेगार है उनको पुलिस की हिरासत में लिया जाए और उनको बहुत ज्यादा जल्दी से जल्दी कोर्ट में लेके उसको शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि उसका एक मैसेज जाना चाहिए कि अगर कोई ऐसे करने की हिम्मत करे उसके लिए हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस होगा। जेल में कोई सरगना गया तो उसके इलाके पर दूसरा गैंग कब्जा जमाने की फिराक में रहता है, लेकिन ये खेल कई दफा भारी पड़ जाता है क्योंकि जेल में बैठा सरगना वहीं से खेलता है खूनी खेल। इस समय यरवदा जेल में कुल 21 गैंग है। जेल में कई दफा हुई है खूनी गैंग वॉर, सभी गैंग के सरगना अपने गुर्गों को जेल में बुलाते हैं, कई दफा राजनीतिक संरक्षण भी मिल जाता है। सूत्रों की माने तो जेल में गुर्गों को खतरनाक हथियार तक भी सप्लाई किए जाते हैं, जिसके पास जितने हथियार उतनी ही मजबूत होती है उसकी सल्तनत। इन चीजों की बदौलत ही यरवदा जेल इन गिरोहों के लिए एक सुरक्षित अड्डा बन गई है। जेल में गैंग वॉर इस कदर हावी है कि कोई भी महफूज नहीं। इसका जीता जागता उदाहरण है कतील सिद्दीकी की हत्या। चाक चौबंद सुरक्षा के बावजूद आखिर कैसे कतील को मार दिया गया? जेल में कोई बाहर से नहीं आया तो फिर कत्ल कैसे हुआ? जाहिर है कतील पहले से ही अंदर मौजूद था, यानी साफ है बाहर की गैंग वॉर की बलि चढ़ गया कतील। पूरे अंडरवर्ल्ड में न केवल इलाकों बल्कि यरवदा जेल पर भी कब्जा करने के लिए मार काट मची हुई है। ये गिरोह सरगना जेलों से अपने गिरोहों का संचालन बखूबी कर रहे हैं और इसमें जेलों के ही कुछ अधिकारी उनकी खासी मदद भी कर रहे हैं। ऐसे में पुणे माफिया को खत्म करना असंभव हो चला है। पुणे से रुखमंगत पोतदार के साथ विवेक अग्रवाल, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई। वैसे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गैंगवार पुणे में हाल ही में शुरू हुई हो, पिछले दो दशक से ये खूनी खेल जारी है, लेकिन जब से जमीन की कीमतों ने आसमान छुआ है तब से ये खेल और ज्यादा खतरनाक हो गया है और जमीन के लिए जंग पर उतर आए हैं गैंग्स ऑफ पुणे। पुणे में गैंग वॉर की बड़ी वजह है यहाँ की जमीन। जमीनों के दाम बेहद ऊंचे हैं
लिहाजा एक सौदे में भी करोड़ों की कमाई होती है। इन करोड़ों पर रहती है सभी गैंग की नजर। सभी सरगना विवादों से घिरी जमीनों के मामले में मालवाली करके खूब चालू कर रहे हैं। पुराने वार्डों को किराएदारों से जबरन खाली करवाकर बिल्डरों को जमीनें दिलवाने में अच्छी कमाई हो रही है। इसके साथ ही व्यापारियों को संरक्षण देने के नाम पर हफ्ता वसूली का धंधा भी खूब चल रहा है। कमीशन से भी बात करूंगी, माननीय आर आर पाटिल से भी बात करूंगी, माननीय अजीत दादा से भी मेरी बात हुई थी, वो यहाँ के सपा पालक मंत्री है। इस हिसाब से तो हमारी सबकी राय वही है कि इसके लिए जीरो टॉलरेंस हो। जमीन के खातिर गैंग वॉर बढ़ती जा रही है। जमीन के लिए माफिया फिरोज बंगाली की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से उसके गुर्गे अंदर शेख और खड़ा वसीम में दुश्मनी इस कदर बढ़ गई कि साल 2011 में ही दोनों के गिरोह ने केवल आपस में खासी मारकर मचाई। इस गैंगवॉर में पुणे के सभी गैंग शामिल हो गए थे। पुलिस के मुताबिक फिरोज बंगाली, शेजा शेट्टी, प्रदीप सोनबड़े, रफीक शेख, राजा मार्टकर, अनिल हेगड़े के गिरोहों ने एक दूसरे पर खूब गोलियां बरसाई। इस गैंगवॉर में कई गैंग के सरगना मारे गए, लेकिन अभी तक नहीं थमी है ये गैंगवॉर। उनके गिरोहों के कुछ सदस्य आज भी सक्रिय हैं। पिंपरी चिंचवड़ इलाके में बापू नायक, राकेश भरने, प्रकाश चढ़ा, पालू वागिरे, शेख वानखेड़े के गिरोहों के सदस्य आज भी काम कर रहे हैं। पुणे का कोच रोड इलाका जहां सबसे ज्यादा गैंग सक्रिय है, इस इलाके के गिरोहों में बाबा बोरके, गजानन मारने, गणेश मारने, नीलेश के गैंग हैं। इन सभी के काफी कुर्गे मारे भी जा चुके हैं, लेकिन धंधा अभी मंदा नहीं पड़ा है और जारी है गैंगवॉर का खूनी खेल। अंडरवर्ल्ड के लिए पूरे शहर की जमीनें सोना उगलने वाली मशीनें बन गई हैं। इन्हें असली कमाई जमीनों से ही हो रही है। जमीनों की खरीद फरोख्त में मानवली से लेकर बिल्डरों से हफ्ता वसूली कर मोटा पैसा बना रहा है अंडरवर्ल्ड, लेकिन इन गिरोहों को रोकने वाला फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा। पुणे से रुखमंगत पोद्दार के साथ विवेक अग्रवाल, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई। तो आखिर कौन है गैंग्स ऑफ पुणे के सरगना, यहाँ पर दिखाएंगे ब्रेक के बाद। आप देख रहे गैंग्स ऑफ पुणे। जी हाँ, पुणे में गैंगवॉर के खेल में न जाने कितनी जाने गई। सरेआम सरेराग गुर्गों को गोली मार दी जाती है और पुलिस रोकने में नाकाम रहती है। गैंगवॉर के खेल में जो असली चेहरे हैं वो हमेशा बच जाते हैं, बस मारे जाते हैं तो सिर्फ गुर्गे। नीलेश धाइवल गैंग, गजानन मारने गैंग, गणेश मारने गैंग, बाबा बोर के गैंग, शरद मोहले गैंग, ये वो नाम है जिन्होंने पुणे में आतंक मचा रखा है। किसी भी एक गैंग के गुर्गे किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं तो तुरंत दूसरा गैंग सक्रिय हो जाता है। इसलिए नहीं कि उसे कोई वारदात करनी है, बल्कि इसलिए कि वो दिखाना चाहता है कि ताकत में हम 20 हैं। ये होड़ पिछले दो दशक से जारी है, तब इक्का दुक्का ही गैंग थे, लेकिन अब पुणे में पूरे दो दर्जन के करीब गैंग हो चुके हैं। किसी कॉरपोरेट ऑफिस की तरफ चलता है ये धंधा, फोन पर ही डीलिंग होती है, हफ्ता वसूलने से लेकर किडनैपिंग का धंधा है, चुनावों में भी इन गैंग का इस्तेमाल होता है। पुणे में अपना दबदबा बनाने के लिए ये गैंग एक दूसरे पर ही हमले करते रहते हैं। इन सभी गिरोह में नीलेश थाईवाल का गैंग अपराध जगत में अपनी खास जगह बना चुका है। नीलेश गिरोह में करीब 30 सदस्य होने की पुख्ता जानकारी पुणे पुलिस के पास है। नीलेश गिरोह की एक खास कार्यशैली है। गिरोह ठीक उसी तरह से चल रहा है जैसे कि मुंबई अंडरवर्ल्ड में होता है। किसी कॉरपोरेट कंपनी की शैली में नीलेश गिरोह में भी सदस्यों को हर महीने तनख्वाह दी जाती है। पुलिस ये गुंडा लोगों को ही बहुत बार ऐसा दिखता है कि उनसे मदद लेती है, उनसे हत्या वसूली करती है, इसके कारण वो उन्हें रोक नहीं पाते।
कोथरूड इलाके के साथ साथ मुंशी तालुका में गजानन मारने और गणेश मारने गिरोह का दबदबा है। ये वही इलाका है जहां माफिया शरद मोहले अपनी पकड़ बनाने के लिए बेचैन और वो लगातार गजानन मारने और गणेश मारने को चुनौती देते रहता है। लेकिन साथ ही नीलेश भाईवाल भी इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है, जिसकी वजह से इन सभी गैंग में चल रही है गैंग वॉर। आतंक का ये खेल रोज खेला जा रहा है, आपस में खूब मारकाट हो रही, एक दूसरे के शूटरों, फाइनेंसरों, दूसरे गुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। सरेआम चाकूबाजी होती है, गोलियां चलती है, लेकिन पुलिस बेबस है क्योंकि ये गैंगवार बढ़ती चली जा रही है। पुणे से रुखमंगत पोटदार के साथ विवेक अग्रवाल, न्यूज एक्सप्रेस। पुणे के गिरोह में वर्चस्व की जंग भी जारी है। मौजूदा दौर में बाबा बोर के गिरोह का साम्राज्य पुणे में बना हुआ है। तमाम बड़े अपराधों में इसी गिरोह का नाम बार बार सामने आ रहा है। नीलेश भाईवल, गजानन मारने, गणेश मारने, शरद मोहल जैसे गिरोह पुणे में आतंक मचाए हुए हैं। पुणे से रुखमंगत पोटदार के साथ विवेक अग्रवाल, न्यूज एक्सप्रेस, मुंबई। तो ये थी गैंग्स ऑफ पुणे की सच्चाई। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में अभी के लिए इतना है।